ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। दरअसल 30 सालों बाद जो नियमित दर्शन पूजन है वो शुरू हुआ था, उस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस आपत्ति को खारिज कर दिया है, यानी कि जो पूजा पाठ है, दर्शन पूजन है, वो जारी रहेगा। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं जो हिंदू पक्षकार हैं, वो सोहन लाल जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सीता साहू जी, हम उनसे बात करेंगे। सोहन जी, क्या कहेंगे इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले पर? इलाहाबाद का हाई कोर्ट हिंदू समाज काफी जो आह्लादित है और जो है विजय और स्पष्ट कर दे कि 33 साल में 24 मुकदमे ज्ञानवापी पर हिंदू समाज ने किया और तो 4 बार वकील कमिश्नर हुए, 1 बार एसआई की जांच और सब में यह स्पष्ट हो गया कि वह मंदिर था। शंख चक्र गदा त्रिशूल सारे के सारे पाषाण शिला खंड मिले, उन पाषाण खंडों में जो है वो स्वस्थ चिन्ह मिले, ओम के अंक मिले, यहाँ तक कि जो व्यास तहखाने के पास सर्वे के दौरान चारों वाली महिलाओं के याचिका पर जो सर्वे हुआ था उसमें मुस्लिम समाज व्यास जी के कब्जा करना चाह रहा था, जिस पर एक याचिका दी गई ताकि याचिका करिए, उस याचिका के दौरान 17 जनवरी को वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को उसको कब्जा जो है उसको कब्जा दिया गया जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, और फिर उससे हिंदू समाज का हमने व्यास जी के तहखाने पूजन अर्चन की मांग की, जिसमें जो है 8 मूर्तियां थी और मूर्तियां थी पाषाण शिला खंड से पाषाण काल कलाकृति थी, और जिस पर पुनः फैसला हुआ वह सुप्रीम कोर्ट चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जाने का, हाई कोर्ट में जो है पुनः हमारी जीत हुई, और जिसमें खासतौर से पूजा यह तो सैकड़ों वर्षों से व्यास जी के तहखाने पूजन अर्चन चलता था, 1993 तक चलता रहा, लेकिन मुलायम सिंह ने मौखिक उसको बंद करा दिया, लेकिन एक मुख्यमंत्री ने रातों रात कर परिवर्तन कर दिया, और आज का फैसला कि यह फैसला जो है वहां पर अनवरत चलता रहेगा और इसे हिंदू समाज की जीत है। यह मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी जीत होगी। हर हर महादेव। आप हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं, लक्ष्मी जी क्या कहेंगे इस फैसले पर, हाई कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है हाई कोर्ट के फैसले पर, सारे सनातनियों को खुशी हो रहा है, दर्शन पूजन मतलब फिर से शुरू हो गया है जी। और सीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। ऐसे में इससे आदेश के पहले ही अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से एक बात कही गई कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश की न्यायपालिका है, जहां आप न्यायपालिका पर भरोसा जता रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रास्ते पर ये चल रहे हैं। ये देश भारत है, संविधान पे चलता है, शरिया पे नहीं चलता है, और जब 92-93 तक पूजा हुआ था तब बंद करवा दिया गया था, तब मुस्लिम पक्ष क्या बोल रही थी? तब तो कुछ नहीं बोल रही थी। ये तो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ था कि जहाँ पूजा होता था वहाँ पूजा बंद कर दिया गया था। आज इतने बरस बाद जब पूजा शुरू हुआ है और न्यायालय भी इसी तरह फैसला नहीं देता, सारा तथ्य देखता है, सबूत देखता है, सब कुछ सबूत मिलने के बाद ये फैसला आया है, अगर उसके बावजूद मुस्लिम पक्ष इस तरह बोल रहा है तो उसको न्यायालय पे भरोसा नहीं है। भरोसा बताते हैं कानून हमारा जो देश है संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। कितनी खुशी है आज के इस फैसले पर, हाई कोर्ट के इस फैसले पर कितनी बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है बहुत। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़े थे हिंदू पक्षकार, जिनका साफ कहना है कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर इन्हें खुशी है, और इसके बाद अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां पर भी इन्होंने जीत को लेकर भरोसा जताया है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।